नमस्कार, LNB टीवी में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। जागरूकता से सशक्तिकरण, बृहद विधिक सेवा शिविर का दमोह के बांसा में हुआ आयोजन। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का जल सत्याग्रह, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाई सरकार को ऑक्सीजन। कलवाणी में लोटा प्रदर्शन, महिलाओं ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नपा पहुंची, पास कॉलोनी का मामला। पेंशनर सातवें वेतनमान का लाभ की मांग को लेकर करेंगे धरना प्रदर्शन। श्रीमद् भागवत कथा का साध्वी जयमाला वैष्णव द्वारा जावरा में भक्तों को कराया जा रहा अमृतपान, हजारों की उपस्थिति। और अब समाचार विस्तार से। जागरूकता से सशक्तिकरण, बृहद विधिक सेवा शिविर का दमोह जिले के बांसा में हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में उपस्थितों को मंच से वक्ताओं ने प्रदान की जानकारी। उन समस्याओं के निराकरण के लिए सभी विभागों के मुखिया, उनके अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं। उनसे आप सीधे संपर्क करके और जो है ज़्यादा हर विभाग के लिए जो भी योजनाएं सबके द्वारा जन कल्याण के लिए संचालित की जा रही हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं। बताए जाएंगे आपको किस फोरम में जाने के लिए किससे संपर्क करना है, आपका काम कैसे बन सकता है, ये सब आपको जानकारी दी जाए आप सभी लोग, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ जाना है, तो हेल्प डेस्क के जो नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको उचित सुझाव सलाह मिलेगा। सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जम्मू की ओर से विभिन्न ग्रामीण अंचलों में आयोजित होता रहा है, उसका केवल उद्देश्य एक सीमित विषय तक सीमित रहता था। अगर कोई ला की जानकारी देनी है तो बस वो ला की जानकारी देते थे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, वह लगातार विभिन्न प्रकार से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज बेलाताल में जल सत्याग्रह किया। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये शामिल था कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और प्रदेश से कर्मी कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग सिर्फ उनके घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं, इतने तरीकों से याद दिला रहे हैं फिर भी उन्हें याद नहीं आ रहा। हमारी अपनी अतिरिक्त कोई मांग नहीं है, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था, जिसकी बदौलत उनकी गवर्नमेंट दोबारा बनी और उस घोषणा पत्र के वादे को वो भूल गए हैं, इसलिए उस वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को याद आए कि प्रदेश से कर्मी कल्चर को खत्म करना है, सभी संविदा साथियों को नियमितीकरण करना है, जिनको निकाला गया है उनको पुनः वापसी लाना है ताकि उनके घर में भी चूल्हा जल सके। हम अपने अधिकार मानते। मध्य प्रदेश की बड़वानी में एक पास कॉलोनी की महिलाओं ने ड्रेनेज समस्या को लेकर मोदी जी के स्वच्छ भारत के अभियान को मुंह चढ़ाते हुए लोटा लेकर नगर पालिका पहुंचकर अपना विरोध जताया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन साकार रूप देने वाली नगर पालिका भी इसमें लाचार नजर आई, क्योंकि मामला जिला पंजीयक सहकारिता के हाथ में है। वह कॉलोनी समिति का पूर्व अध्यक्ष की शिकायत करने की धमकियां देता है। मामले की शिकायत उन्होंने CM हेल्पलाइन में भी कर रखी है। चालीस होगा।
40 42। अभी आप नगर पालिका गए थे, किस तरीके का विरोध किया? हम लोटा लेके गए थे भैया। अब हम लोगों ने तो हमारी तरह हस्बैंड लोगों ने, आदमी लोगों ने, जेंट्स लोगों ने सब कार्रवाई कर ली। अब हम लोगों ने सोचा कि अब धरना देना है अगर हमारा यहाँ काम नहीं हुआ तो लोटा ला करके और क्या दर्शाना चाहते हैं आप लोग? हम लोटा ला करके यही पूछना चाहते हैं कि हमारा तो भरा गया, अब आप बताओ कहाँ जाए। बाहर तो मोदी जी ने बैंड कर रखा है, घर में बैंड है, तो अब कहाँ जाए हमको ये जरा बता दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? नगर पालिका अध्यक्ष जी अभी यहाँ लेके आए। मेरा नाम निधि वर्मा है और मैं इस कॉलोनी की सदस्य रहवासी हूँ। और हमारे यहाँ पर जो पूर्व कॉलोनी में जो अध्यक्ष थे नानू राम जी धनगर, अब हम जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके लिए वो हमें सीधी धमकी दे रहे हैं कि मैं इस कॉलोनी में पहले पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे सभी से संबंध है बहुत अच्छे से, तो आपसे जो कुछ हो सकता है आप अपने लेवल पर कर लीजिए, मैं भी देखता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि उनके हाथ में पावर रहा है तो उसका उन्होंने उस समय बहुत मिसयूज़ करा है और इसी का परिणाम है कि हमारी कॉलोनी में हम बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गंदगी से मच्छर भी पनप रहे हैं? गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, बच्चों को डेंगू हुआ है, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। अब हमारे यहाँ ये समस्या है कि टॉयलेट्स चोक होने के कारण घर में पूरे हम कहाँ जाएं टॉयलेट, आप बताएं। बदबू इतनी आ रही है सड़कों पे, मल जो है वो फैल रहा है, यहाँ तक कि घरों में भी मल फैल रहा है, तो हम बताएं कि हम कहाँ जाएं महिला। तो क्या लगता है बीमारी जो भी फैलेगी उसका जवाबदार कौन होगा? इसके लिए शायद जिम्मेदार हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो होंगे और जितने भी जो CMO वगैरह जो देख रहे हैं। हम वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बताएं हम कहाँ जाएं। जी क्या नाम है आपका? रचना राठौर। कौन सी कॉलोनी है? जी साईनाथ बी। क्या दिक्कतें आ रही है सर? हमारे यहाँ आज की दिक्कत नहीं, करीब करीब 5-6 साल से यही दिक्कत आ रही है कि ड्रेनेज लाइनें सारी कॉलोनी की पूरी यहाँ आगे से लेके आखिरी तक का पूरा भरा गया, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है टैंक भी और घर के अंदर की लेटरिन पूरी फुल हो गई है। मतलब हम लोगों की ये समस्या अब ये हो गई है कि जाए कहाँ, घर में पूरा पैक हो गया है, पानी बाहर घिस रहा है, किचन में बदबू आ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। अब इनको कितनी बार लिखित में दे चुके हैं, ये लिखित में कार्रवाई कर रहे हैं लिखित में, पर अभी तक एक्शन कुछ नहीं हुआ। ये 5-6 साल कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। क्या कारण? ये दिक्कत यही आई है कि हमारी कॉलोनी में हमारी कॉलोनी में सेफ्टी टैंक का जो पुराना था उसको बंद करके उसकी पाइपलाइन उल्टी साइड में घुमा के पीछे वाली खाली कॉलोनी में निकाल दिया है। किसने कराया था ये? हमारे कॉलोनी के जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने करवाया, उनका नाम नानू राम धनगर। उनके पास गए थे अपनी समस्या को लेकर? हम उनके पास क्या, उनके सामने ही रोना रो रहे हैं, आते जाते उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, देखते हैं, इधर उधर मुँह करके निकल लेते हैं। हम लोग बुला बुला के बता रहे कि आओ भैया देख लो हमारे घर में कैसा। कब से समस्या? कब से है ये समस्या? अभी 2014 से है। सर आज ये महिलाएं आई थी आपके पास और क्या कॉलोनी की शिकायत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? साईनाथ कॉलोनी की ड्रेनेज की समस्या लेकर महिलाएं आई थी आज, ये उसके संबंध में कॉलोनी के लोगों ने पहले भी यहाँ पे शिकायत की है, तो शिकायत से संबंधित जांच के लिए हमने हमारे यहाँ से 2 स्टाफ के लोगों को भेजा था और उनका जांच प्रतिवेदन अभी बन रहा है। जांच प्रतिवेदन में जो भी तथ्य आएंगे उससे सोसाइटी को अवगत करा के उसके निराकरण का, हल की समस्या का निराकरण कैसे संभव है इस संबंध में सोसाइटी को लिखा जाएगा। सोसाइटी से किसी को आपने नोटिस वगैरह दिया अभी? इससे पहले भी सुना है कि आपके यहाँ से अधिकारी गए थे जांच करने के लिए? नहीं, अभी उनको नोटिस नहीं दिया है, यहाँ से खुद ही कर्मचारी गए थे जांच करने के लिए और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसमें समस्या का निराकरण अगर नहीं होता है या उसमें कोई बाधा आती है तो फिर उनको नोटिस दिया जाएगा। तो सर क्या माने कि निराकरण यहाँ, क्योंकि एक सोसाइटी से संबंधित मामला भी है तो कार्रवाई की जाएगी दोषियों पे जो भी दोषी बात होगी? हाँ, जो भी तथ्य पाए जाएंगे और नियम के विपरीत कोई काम हुआ है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। वेतनमान का पेंशनर को लाभ दिलाने के लिए पेंशनर समाज धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। ज्ञापन या सूचना देने आप लोग आए हुए थे, क्या कारण? आज हम लोग पेंशनर समाज दमोह के जिला शाखा के पदाधिकारीगण दिनांक 26 से 28 दो 18 तक जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठने जा रहे हैं।
इसकी सूचना आज एसपी महोदय को मैंने हम यहाँ आए दिए थे, क्योंकि सातवें वेतनमान का लाभ शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त हो चुका है, किंतु पेंशनर्स को उसका लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। उसके संबंध में समस्त पेंशनर मध्य प्रदेश के 4 लाख पेंशन आक्रोशित हैं और उसी की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने एवं धरना प्रदर्शन की सूचना देने आज एसपी कार्यालय आए हुए। हम माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से और अपने वित्त आयोग के अध्यक्ष दमोह प्रवास के दौरान आए थे, उनको ज्ञापन और दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों आज तक नहीं मांगी गई है। 3% हमारा महंगाई राहत जुलाई 17 से दे है, सरकार ने स्वीकृति के बाद भी आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए पूरा प्रदेश के पेंशनर जो है 4.5 लाख बहुत आक्रोशित है। इसी क्रम में हम लोग दमोह शाखा 26-27 फरवरी 2018 को अभी आंदोलन पर जा रही है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, बजट में हमारे प्रावधान नहीं किए गए, तो आगे चल के हमारा बृहद आंदोलन अप्रैल में शुरू होगा। धन्यवाद। जमीन के विवाद को लेकर नोहटा के एक परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप आए, क्या कारण क्यों आए? जी सर, हमारी वो जमीन थी जिसका केस चल रहा था नोहटा में तहसील कार्यालय में, जिसमें वो केस अपन जीत गए थे। जीतने के बाद उस जमीन का नाप हुआ, नाप होने के बाद फिर कल हम लोग वहाँ पत्थर से चीराबंदी कर रहे थे, तो अनावेदक ने मौका स्थल पर पहुंचकर हमारे पत्थरों को तोड़ दिया, तोड़कर हमें असली गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि झूठे आरोप में तुम्हें फंसा देंगे, जिंदगी भर की जेल हो जाएगी। अनावेदक का नाम क्या? अनावेदक का नाम रामेश्वर पटेल पिता हुकम पटेल। आवेदक कौन है? आवेदक पिताजी हैं वहाँ लोटन लाल रेखवार, मैं उनका पुत्र हूँ रामदास रेखवार। तो अभी अब आप उनके शिकायत करने आए? जी सर। तो शिकायत में पुलिस आपने अधिकारी से मुलाकात हुई होगी? जी हुई है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने आपका आवेदन ले लिया है और आप ये आवेदन हम आगे बढ़ाकर जब साहब आ जाएंगे तो उसके बाद इसको डाक द्वारा भेजेंगे और उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल एवं धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को ऑक्सीजन लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अपने ऑक्सीजन पर रखा है सरकार को, क्योंकि एक दिन हमने अपने भाई माननीय शिवराज भैया के जो कि हमेशा वादे करते हैं कि हमारी बहनें हैं, हमारी भांजी हैं, लेकिन आज करीब 10 दिन हो गए हमारी बहनों को सड़कें पर उतरी है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जयंत मलैया जी हमारे यहाँ बीच में आए थे और उनने कहा था कि बजट में आपका बहुत कुछ है, लेकिन कहने लगते हैं दूध का जला हुआ बच्चा छाछ भी कोई खूब के पीता है। हमारी माननीय मेनका गांधी जी ने 8 जून 2016 में घोषणा की थी कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता सभी शासकीय घोषित हो गई, लेकिन उसके उपरांत भी हम लोगों का ना आदेश आया ना उन्हें आदेश जारी किया। और सुनने में आया जो हमारी यूनियन की बड़ी अध्यक्ष हैं तो वो उनसे मिलने गई, जो सुनने में आया कि अभी नहीं, जब आप लोगों का काम पूरा होगा सुचारू रूप से चलेगा तब करेंगे। लेकिन भारत देश में जो 90% कुपोषण था, आज हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि जो 12% और 6% पे आ गया है। तो ये बताइए, हमारी बहनें काम नहीं कर रही, काम ना कर रही होती तो हमारा कुपोषण कैसे सामने है, कुपोषण कैसे दूर होता। और हमारी बहनें 24 विभागों का काम करती हैं, सुबह 9 से 4 बजे तक काम करती हैं और हमारी बहनों को 5,000 और 2,500 रुपये मिलते हैं और 5,000-2,500 रुपये में एक व्यक्ति का भरण पोषण नहीं होता है। हमारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है और मध्य प्रदेश में बैठी हुई है और हमें चेतावनी दे रहे हैं अपने मंच के माध्यम से, यदि मान लो हमारी बहनें 9 दिन तो देवी रखी लेकिन 8-10 दिन विकराल रूप रखने वाली थी, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का कहना मान के आराम से शांति से बैठी हैं कि भैया हम 28 तारीख तक अपना बजट और देख लेंगे आपका, और हमारे जो भैया सो रहे हैं तो आप लोगों को विदित है कि एक दिन उनने खंजरी बजा बजा के उनको जगाया था कि जागो और हम लोगों की मांगें पूरी करो, और आज जो कोमा में डले हुए हैं हमारे भैया वो बेहोश है, तो उनके लिए ऑक्सीजन लगाई हुई है कि
आप लोग ऑक्सीजन लें और होश में आए और हम लोगों की मांगे पूरी। ये एक मिनट ये बताइए मुझे आपकी जो हड़ताल है वो दमोह में है या पूरे प्रदेश में? नहीं, पूरे प्रदेश में। और आज जो नारी बुलंद वाली हैं, हमारी बहन है नारी बुलंद शक्ति, वो आज से धरना भोपाल में दे चुकी है। मेरे पास कल विजुअल आए हुए हैं, बड़वानी में महिला आपके विभाग की ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ बराबर कार्य कर रही हैं। तो ऐसा है उनके सभी जिलों में है, लेकिन जैसे हमारे वित्त मंत्री आ गए थे तो आश्वासन में कुछ बहनें उठ गई, लेकिन आज से और 26-27 को प्रत्येक संघ वाले जा रहे हैं तो वो करेंगे, लेकिन आज से नारी बुलंद करीब 35 जिलों में है, तो आज से भोपाल में सभी बहनें बैठ चुकी हैं और हमारे संभाग में सागर संभाग में करीब 5,000 बहनें बैठी हैं। आपने अभी जैसे मान लीजिए बात की भैया की, कौन से भैया को आप ऑक्सीजन दे रही हैं और किस भैया के आश्वासन से आपने? पहले तो अपने भैया को देंगे, पहले तो अपने घर से चालू करेंगे। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जयंत मलैया, शिवराज भैया, शिवराज भैया, जयंत मलैया भैया तो फिर भी होश में, वो हमारे बीच आए थे। हाँ, इस शिवराज भैया को आपने ऑक्सीजन दी है कि वो ऑक्सीजन से पुनर्जीवित हो जाए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए और हम लोगों के जल्दी होश में आ जाओ, हम लोगों की मांग पूरी कर। LNB TV के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जावरा में साध्वी जयमाला वैष्णव द्वारा श्रीमद भागवत कथा रूपी अमृत का पान भक्तों को कराया जा रहा है, जहां हजारों भक्तों की उपस्थिति प्रतिदिन देखी जा सकती है। Hey, hold your hand.
नगर में हनुमान मंदिर के पीछे शनि महाराज की स्थापना की गई, जिसके आयोजन और भंडारों में हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। एलएनवी टीवी के मौसम के समाचारों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं मौसम पर एक नजर। तापमान अधिकतम 35.2, न्यूनतम 15.5, हवा का दबाव 10.5 रहा। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।